सेक्शन छोड़ा है कि आपने सब सेक्शन बात करूं एमएमसी की बात करूं पावर की दो कंपोनेंट पड़ा है दोनों की टेस्टिंग करी आपने सारे सेक्शंस पे करी आपने कोई भी सेक्शंस बाकी नहीं है आपका तो कंपोनेंट का कांसेप्ट किस किस का क्लियर है हम सबका सर सबका क्लियर है यस सर चलिए ठीक है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी की क्लास कैसी गई आप लोगों की मेरे साथ अच्छी लगी बताओ पक्का एक दिन में हमने रजिस्टर पढ़ा एक दिन में हमने रजिस्टर पढ़ा और कैपेसिटर पढ़ा अब मुझे बताओ रजिस्टर में नॉर्मल रजिस्टर फ्यूज रजिस्टर कोल्ड रजिस्टर और थंडरस्टर कौन कौन ढूंढेगा कौन तो ढूंढ सकता है ठीक है और हमने पूरा प्रैक्टिकल दिखाया है यहाँ पर थंडरस्टर कौन कौन ढूंढ सकता है जल्दी बताओ सर्किट क्या चालू विदाउट सर्किट बताओ विदाउट सर्किट विदाउट सर्किट थंडरस्टर को बाईपास भी बताया कैपेसिटर 3 लाख 4 लाख के कैपेसिटर कौन कौन चेक कर सकता है बताओ तो पहले दिन की शुरुआत कैसी लगी आपको बहुत बढ़िया सर पता नहीं चलता बहुत हाई एंड की जहाँ जहाँ पे हम गलती कर अब पता चल रहा है पहले दिन ही पता चल रहा है कि हाँ हम कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं सारा क्लियर हो रहा है सर क्योंकि सर की नॉलेज बहुत ऊपर से भी बहुत ऊपर है अपर से भी ऊपर है चलिए ठीक है और उसके बाद ये बताइए मेरे को कि जो सर ने आपको नॉलेज दिया क्या वो एक यूट्यूब में या रास्ते चलते या किसी वीडियो में या किसी चाइनीज की क्लास में मिल सकता है क्या आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट सर DSO की जो एप्लीकेशन है हमें कभी किसी लैब में मैंने 1000 दफ़ा सर से पूछा सर DSO की एप्लीकेशन इस सर्वे में कहाँ यूज़ होती है बट किसी को शायद यूज़ करना नहीं है ये अकेले देर सर ये है जिसने पहले दिन हमें बताया कि हम आप DSO कहाँ पर यूज़ करोगे इसका बस उसके लिए नॉलेज चाहिए सर बराबर समझ में सर आज पहले दिन की क्लास थी और सबसे पहले रिवॉल्विंग की क्लास थी और उसके बाद देव सर की क्लास थी जी जिसमें हमको बहुत बारीक से बहुत अच्छे से समझाया गया और समझ में भी बढ़िया आया पूरा क्लियर था आपका क्रिस्टल क्लियर था एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर थी जी, क्या लेवल था सर का पढ़ाने का लेवल बहुत बढ़िया था सर कोई ऐसा जो चौथी दुकान पे या चौथा आदमी दे सकता है वाला नॉलेज था क्या नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं कोई यूट्यूब पे मिल सकता था वाला नॉलेज था क्या नहीं कोई चाइनीज की क्लास में चीना की क्लास में मिल जाता वाला नॉलेज था क्या नहीं नहीं सर जितना भी पढ़ाया सब अच्छे लेवल पे अच्छी चलो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया मानता हूँ मेरी बात तो प्रैक्टिकल क्लास में आने के बाद आपने उसका प्रैक्टिकल करा के नहीं क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे सर प्रैक्टिकल किए और बार बार प्रैक्टिकल किए बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का बहुत मस्त रहा सर को देख के ऐसा लगा कि मतलब फीलिंग जो मेरी है वो बता ही नहीं सकता अच्छा तो जो चीज़ सोच के आए थे तुम तो वो चीज़ आपको मिली कि नहीं फीलिंग ही अलग है सर पढ़ाने का तरीका उसकी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर जो अंदर से मेरे ऊपर है वो नहीं बता समझ सकते मेरे को बताइए कैसा लगा बहुत अच्छा लगा सर 8 बजे हमारी रिबॉलिंग हुई और रिबॉलिंग हमने 4 से 5 बार की है अच्छा और पता भी चल गया कैसे होती है रिबॉलिंग अच्छा ये रिबॉलिंग का काम इसके बाद फिर बताइए मेरे को क्लास थी आपकी 12 बजे देव सर के साथ फिर लास्ट टाइम के साथ क्या एक्सपीरियंस था आपको सर उन्होंने 2 स्टेप सब कुछ बताया जैसे होता है और ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम कहीं गलत जगह आ गए बहुत ही अच्छी जगह है सभी मैं तो ये कहता हूँ सभी आए यहाँ पर जिसको भी मोबाइल रिपेयरिंग का करना है सब करूँ की देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी तो क्या लेवल का नॉलेज मिला बहुत एकदम बढ़िया सर बहुत हाई लेवल का था सर बहुत हाई लेवल का था जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा तो एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर जिनकी 3 बुके मार्केट में चल रही है उनके साथ पढ़ के आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया सर नए अपने तरीके से नए ट्रिक निकाल के हमको नए ट्रिक दिता है आज भी सर ने एक नया ट्रिक दिया जो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा और आप बताइए मेरे को कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा देव सर के साथ बहुत बढ़िया सर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया कंपोनेंट की बात करूँ 1 2 3 3 लोगों से कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट अब क्या हो गया तुम्हारे लिए 2 कंपोनेंट अभी जो आज पढ़े हमने तो उसका प्रैक्टिकल करके कैसा लग रहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर वो सर ने प्रैक्टिकल दिया था वही सेम प्रैक्टिकल किया था सेम प्रैक्टिकल मिला ऑन PCB पे मतलब आपने सारे PCB के सारे सेक्शन में रजिस्टर और कैपेसिटर को ट्रेस करा समझा आइडेंटिटी सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमको सिखाया क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है उसका तरीका क्या है कैसे पता करते हैं उसका नॉलेज हमको मिला कैसा लगा सबसे पहली बात तो ये सर बहुत अच्छा लगा दूसरी बात ये कि आपकी क्लास की शुरुआत कितनी बजे हुई सर 8 बजे से हुई अगर एशिया टेलीकॉम बोलता है कि वो 12 घंटे पढ़ाता तो पढ़ाता है क्या 12 घंटे yes, yes, 12 घंटे पढ़ाता है सर तो सर की क्लास में खाली प्रैक्टिकल होता है कि थ्योरी होती है कि पूरा प्रैक्टिकल के साथ होता है प्रैक्टिकल के साथ और एक चीज को कितनी बार एक्सप्लेन करते हैं सर कम से कम 6-7 बार तक 6-7 बार होते हैं और उसी का क्या होता है
रिवीजन और उसके बाद क्या होता है प्रैक्टिकल होता है तो सेटिस्फाई या प्रैक्टिकल यस सर चलिए जो सर की क्लास अटेंड करी आपकी देव सर को क्लास कैसी लगी आपको बहुत बढ़िया बस कैसी लगी क्लास आपको बहुत बढ़िया नॉलेज कैसा मिला आपको एंडलेस नॉलेज एंडलेस कितनी बार किया रिवॉल्विंग आपने पांच बार किया उसके बाद ये बताइए कि आपकी दोपहर में क्लास किनके साथ थी मतलब 12 बजे क्लास देव सर के साथ देव सर के साथ क्लास थी क्या लेवल था पढ़ाने का आपको लेवल बहुत ही बढ़िया था सर बहुत बढ़िया लेवल था तो हर एक चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको हर एक सर देव सर के अलावा दुनिया का कोई भी अतिरिक्त टीचर आपको देता तो इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ पाता नहीं समझ पाते हम जितने अच्छे से देव सर ने हमको समझाया बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया क्या कहाँ पर क्या होगा कहाँ पर क्या होगा 11:30 बजे देव सर के साथ क्लास थी आपकी तो क्या क्लास कैसा क्लास लगा बहुत अच्छा लगा क्लास कैसा लगा आपको सर बहुत हाई लेवल था कंपोनेंट का नॉलेज सर बहुत एक्सीलेंट सर और से आ रहे थे जैसे हमने बोला था जैसे हम सिखाएंगे वैसे ही सीखना है और धीरे धीरे अब देखो मैंने लाइट ओपन की है इसकी इसमें लाइट का अच्छा फंडा है दो बार दबाओ दो बार बीप आती है और लाइट कांस्टेंट रहती है मतलब ये मान के चलो 10 मिनट 15 मिनट बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी अब यहां पर ओम्स मोड में गए हमें बजर मोड के डालना है ओम्स की जरूरत ही नहीं है देखिए अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि सीरीज या पैरेलल है तो मैं कोई सा भी सीधा एक ग्राउंड कर देता हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे बीपी सुनना है ये ग्राउंड तो अब मैं ये देखूंगा कि इसमें से कौन कौन सा रजिस्टर सीरीज है कौन कौन सा पैरेलल है ध्यान देना नहीं पता क्योंकि हम इसे बजट मोड पे चेक कर रहे हैं कि बीप आ रही है कि नहीं आ रही है नोटिस करना बताओ आ रही है क्या आ रही है क्या सीरीज की पैलर क्या काम कर रहा है अगर ये हट गया तो सर्किट क्या हो जाएगा ओपन सर्किट क्या हो जाएगा अब ध्यान देना यहाँ भी बीप नहीं यहाँ भी बीप अच्छा कब तक चली क्लास आपकी कितनी बजे तक 11:30 बजे तक तो रिबोलिंग किसने किसने करा सबने सर सबने रिबोलिंग किया सबने क्या आपने कितनी बार किया सर मैं 7 बार कर चुका आपने कितनी बार किया आपने 2 बार आपने 4 बार आपने 5 बार आपने 5 बार आपने आपने 2 बार आपने 5 बार सर आपने 8 बार सर उधर 5 बार कितनी बार 5 बार वेस्ट बंगाल तक आवाज जाना चाहिए कितनी बार 5 बार 5 बार इधर 5 बार आपने 7 बार आपने 4 बार आपने 6 बार 6 बार तो इसके पहले ये चीज कर पाते थे क्या आप नहीं सर प्रॉपर तरीके से किया आपने यस सर ठीक है कोई तुक्के में तो काम नहीं किया ना नहीं सर पहला दिन था आपका कोई तुक्के में काम नहीं किया ना नहीं सर
प्रॉपर तरीके से किया ना? यस सर। और उसके बाद 11:30 के बाद आपको लंच ब्रेक ईमानदारी से बताओ कितने मिनट का मिला? 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स का नाइंसाफी नहीं है आपके साथ? 20 मिनट्स का मिला है ना? यस सर। तो चलिए ठीक है, फिर उसके बाद आपकी नई क्लास कब से स्टार्ट हुई देव सर के साथ? 11:30 आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। यस सर। तो देव सर जिनको देख के आप यहाँ पर आए हो, आप सब स्टूडेंट यहाँ पे देख के आए हो, तो पहली क्लास उनके साथ कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो क्या बोलना चाहोगे देव सर के बारे में? अगर यही क्लास अगर कोई दूसरा टीचर देता आपको जी सर, तो क्या इतनी समझ में आ पाती क्या? नहीं सर। अभी जो आपने प्रैक्टिकल करा, आपने 4 घंटे प्रैक्टिकल किया, तो आपको 4 घंटे के या 5 घंटे के प्रैक्टिकल में कोई समस्या आई क्या? नहीं सर। ऑलरेडी आप सीख के आए थे ना? यस सर। मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ी? नहीं सर। या कोई मैंने थ्योरी समझाई क्या यहाँ पर? नहीं सर। आपने पूरा प्रैक्टिकल करा ना? यस सर। इसी वे पे प्रैक्टिकल किया ना? यस सर। सेक्शन वाइज कोई सा सेक्शन छोड़ा है क्या आपने? सब सेक्शन किया ना? बात करूँ एमएमसी की, बात करूँ पावर की, 2 कंपोनेंट पढ़ा, दोनों की टेस्टिंग करी आपने? यस सर। सारे सेक्शंस पे करी आपने? यस सर। कोई भी सेक्शंस बाकी नहीं है आपका? नहीं सर। तो कंपोनेंट का कांसेप्ट किस किस का क्लियर है? हम सबका सर। सबका क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, शुरुआत करता हूँ मैं आपसे। तो आज की क्लास के बारे में मैं पूछना चाहूंगा आपको, आप पहला दिन था, आपको कैसा लगा? सबसे पहली बात तो ये सर, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि आपकी क्लास की शुरुआत कितनी बजे हुई? सर 8 बजे से हुई। अगर एशिया टेलीकॉम बोलता है कि वो 12 घंटे पढ़ाता, तो पढ़ाता है क्या 12 घंटे? यस सर। 12 घंटे पढ़ाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 12 घंटे पढ़ाता है ना? बिल्कुल सर 12। अच्छा, उसके बाद आपकी किनके साथ क्लास थी? देवन। और आपने आज जो रिबॉलिंग की वो कितनी बार करी आपने? सर रिबॉलिंग 7 बार कर चुके। 7 बार कर चुके हो, ठीक है। चलिए, ये तो एक स्किल का काम था। अब साथ में मैं बात करूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी वो आपकी देव सर के साथ थी, तो कैसा लगा उनके साथ? सर बहुत अच्छा लगा, जो सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिला। तो क्या क्या कार्य शैली है? एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। एक्स्ट्रा कंपोनेंट के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्फो, तो कोई यूट्यूब वाला नॉलेज मिला क्या आपको? यूट्यूब से तो इसमें कुछ नहीं मिलता था। यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता? तो आपको जो कंपोनेंट का नॉलेज दिया, ये भी आपको नॉलेज हुआ कि अगर एक कंपोनेंट एक आपका एक रेजिस्टेंस होता है जो अगर निकल जाता है 20 ओम्स का या 5 ओम का या 0 ओम का रजिस्टर अगर निकल जाता है तो क्या उपयोगिता है उसकी, ये मालूम पड़ी कि नहीं मालूम? इसका पूरा प्रैक्टिकल किया आपने? पूरा। तो सर की क्लास में खाली प्रैक्टिकल होता है कि थ्योरी होती है कि पूरा प्रैक्टिकल के साथ होता है? प्रैक्टिकल के साथ। और एक चीज को कितनी बार एक्सप्लेन करते हैं सर? कम से कम 6-7 बार तक। 6-7 बार होते हैं। और उसी का क्या होता है? रिवीजन। और उसके बाद क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो सेटिस्फाई है प्रैक्टिकल? यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। राजेश्वर। राजेश्वर कहाँ से भाई? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ये बताइए आज आपकी कैसी क्या क्लास थी आज आपकी? रिबॉलिंग। और कितनी बार किया रिबॉलिंग आपने? 5 बार किया। 5 बार किया। उसके बाद ये बताइए कि आपकी दोपहर में क्लास किनके साथ थी, मतलब 12 बजे क्लास किनके साथ? देव सर के साथ। देव सर के साथ क्लास थी। क्या लेवल था पढ़ाने का आपको? लेवल बहुत ही बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया लेवल था। तो हर एक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको? हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर था आपका? क्लियर था। चलिए ठीक है, तो और उसके बाद फिर क्या क्या क्लास हुई आपकी? वापस प्रैक्टिकल की क्लास हुई? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, परेशानी? कुछ नहीं थी। एक एक चीज क्लियर है? क्लियर है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। गणेश सिंह। गणेश सिंह कहाँ से हो भाई? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। गणेश उत्तराखंड से बहुत दूर से जबलपुर एशिया टेलीकॉम को जाएंगे क्या? आप दिल्ली भी जा सकते थे? वहाँ ऐसे नॉलेज नहीं मिलता, तो मैंने सोचा यहीं बेहतर होगा। अच्छा, तो जो नॉलेज की खोज में आए थे, तो आज उसकी शुरुआत का दिन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ रिबॉलिंग की और कंपोनेंट की जानकारी मिली। अच्छा, कंपोनेंट की जानकारी। अगर कंपोनेंट की जानकारी देव सर के अलावा दुनिया का कोई भी अतिरिक्त टीचर आपको देता तो इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ पाता? नहीं समझ पाते हम जितने अच्छे से देव सर ने हमको समझाया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया क्या कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में आपने खुद सेल्फ पीसी पे, आप दो दो पीसी भी है आपके पास, उसके बाद आपने ट्रेस किया कि नहीं? किया सर। पूरा चीज क्लियर है? एक एक चीज क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। साहिल। साहिल कहाँ से हो भाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। साहिल, पहले दिन की क्लास, पहली क्लास थी आपकी एशिया टेलीकॉम में क्लास थी, क्लास के बारे में थोड़ा बताओ मेरे को। सुबह 8 बजे रिबॉलिंग की क्लास जी, उसके बाद में 11:30 बजे देव सर से क्लास। तो क्या क्लास का लेवल क्या था आपका सर के साथ? बहुत बढ़िया था। और उसके बाद बताइए मेरे को कि कुल मिला के कैसी रही क्लास देव सर की आपको? एक एक चीज़ आपका क्रिस्टल क्लियर है? क्लियर है। कंपोनेंट का क्लास था? हाँ, दो कंपोनेंट का पूरा क्लियर है। तो फिर अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल किया। तो पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल किया आपने? आपने सेल्फ पीसीबी पे प्रैक्टिकल करा? यस सर। से हो सिद्धांत बहुत दूर से आए हो, अब ये बताओ आज की क्लास कैसी रही आपकी? बढ़िया सर। बढ़िया रही। तो क्या किया आज आपने सवेरे से?
सुबह से रिवॉल्विंग किया। ठीक है, उसके बाद किन के साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ क्लास थी आपकी। देव सर के साथ क्लास कैसा नॉलेज मिला आज? कंपोनेंट की पहली क्लास थी जिनको देख के आप यहाँ पे आए हो, और उनके साथ सौभाग्य मिला पढ़ने का उनके साथ, तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। क्या एनर्जी लेवल क्या है, क्या सर का एनर्जी लेवल क्या है? बढ़िया है, अच्छे तरीके से समझाते। और उसके बाद ये बताइए मेरे को कि एनर्जी के साथ साथ एक चीज़ को कितनी बार समझाया उन्होंने? छः बार समझाया है ना। तो ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो सर की आपको? नहीं, हर चीज़ क्लियर है। अभी आपने प्रैक्टिकल किया उसके अंदर? किया है सर। हाँ बताइए, राज एशिया टेलीकॉम में पहला दिन आपका? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, रिबोलिंग किया आपने? यस सर। अच्छा, उसके बाद में आपने जो सर की क्लास अटेंड करी आपकी, देव सर को क्लास कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया बस। कैसी लगी क्लास आपको? बहुत बढ़िया। नॉलेज कैसा मिला आपको? एंडलेस नॉलेज मिला। अगर कोई यूट्यूब वाला नॉलेज था क्या? यूट्यूब वाला ना गंदा नॉलेज तो नहीं था ना? है कोई यूट्यूब का कोई चीज़ रिपीट करी हो? नहीं सर। है ना, आप कितनी देर में पीसीबी में से थर्मिस्टर को ढूंढ सकते हो? तीन मिनट। टेक्निक है आपके पास? yes, देव सर ने वो टेक्निक दी है आपको? yes, थर्मिस्टर ढूंढने की? हाँ। कैपेसिटर को क्या काम है, कहाँ पे लगाए, किस स्थिति में लगाए, क्या काम है, ये आपको मालूम है? सब मालूम है। yes, पूरी चीज क्लियर है? yes, और जो रजिस्टर के जितने भी प्रकार होते हैं सारे मालूम है आपको? yes, क्या काम है ये भी मालूम है, क्या उपयोगिता ये भी मालूम है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। सर मेरा नाम पृथ्वी सिगौड़ा। हाँ जी, मैं उड़ीसा बारमपुर से। जी बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? सर पहले सुबह रिबोलिंग। हाँ, कितनी बार किया आपने? सर 5-6 बार किया। 6 बार किया रिबोलिंग? हाँ, प्रॉपर तरीके से किया आपने? हाँ सर। चलिए ठीक है, दोपहर में किनके साथ क्लास थी आपकी? सर 11:30 बजे। 11:30 बजे देव सर के साथ क्लास थी आपकी। तो क्या क्लास, कैसा क्लास लगा? बहुत अच्छा लगा। क्लास कैसा लगा आपको? सर बहुत हाई लेवल था। कॉम्पोनेंट का नॉलेज? सर बहुत एक्सेलेंट। सी सर। हाँ, और उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया उसका? सर किया है, बहुत सर किया। प्रैक्टिकल किया यहाँ पे? हाँ सर। सारे पीसीबी पे सारे सेक्शंस में आपने कैपेसिटर और रजिस्टर को ढूंढा आपने? हाँ सर। बात करूँ थर्मिस्टर की, बात करूँ कोड रजिस्टर की, नॉर्मल रजिस्टर की, LVR की, HVR की, सारी रीडिंग है कि नहीं आपके पास? हाँ सर है, पूरा रीडिंग है आपके पास? ये सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर विजय, मेरा इंदौर से। इंदौर से हो जी? तो इंदौर से MP के MP में आए हो आप, थोड़ा नज़दीक के हो, तो पहला दिन पहली क्लास कैसी लगी आपको? सही लगा सर, बहुत सही। तो जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? मिला उससे ज़्यादा। बात करूँ दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी आपकी, तो क्या था आपका, क्या क्या पढ़ाने का तरीका क्या था उनका? बहुत हाई लेवल का था। तो यही नॉलेज के लिए आए थे ना आप? जी सर। तो वो नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? चलिए ठीक है। और शाम को जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास थी, प्रैक्टिकल पूरा किया आपने? हाँ सर। चलिए ठीक है, चलिए आइए। हाँ, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए। अजय कुमार चौधरी, हम नेपाल से है। हाँ, आज सुबह 8 बजे के क्लास रिवॉल्विंग की थी। हाँ, और मैंने 5 बार रिवॉल्व किया। हाँ, पहले रिवॉल्व नहीं किया था। हाँ, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था, फिर एक बार किया तो फिर आ गया, तरीका आ गया ना? तरीका आ गया, वो तरीका ही सीखने आया, प्रैक्टिस करने नहीं आया, तरीका सीखने आया। तो वो तरीका आया कि नहीं आया? आया। अभी दुनिया की कोई सी भी MMC दे दो तो आप रिवॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलिए ठीक है। और उसके बाद दोपहर में क्लास थी आपकी, मेन क्लास जो थी आपकी देव सर के साथ क्लास थी, वो बताइए कैसी रही क्लास आपकी? बहुत अच्छा था सर। हाँ बोलिए। सोचे बंदा बाहर था। हाँ, आपकी भाषा में बोलिए, आपकी नेपाली में बोल, नेपाली में बोल सकते हैं? ठीक है, बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। हमारा समझ से बहुत बाहर था, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीक़ा से हमको सिखाया, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे पता करते हैं, उसका नॉलेज हमको मिला। हाँ, और उसी का प्रैक्टिकल किया कि नहीं? हाँ किया सर, किया पूरा। हर सेक्शन में रजिस्टर का काम का, रजिस्टर कहाँ कहाँ कैसे होता है, सब नॉलेज यहाँ प्रैक्टिकल किया है, और कैपेसिटर के भी कैसा सब सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए। बलराम मंडल। मंडराम कहाँ से बोल रहे हैं? नेपाल से। नेपाल से, नेपाल के बाहर इस बार एशिया टेलीकॉम में भाई। चलो आ जाओ, सब आ जाओ, नेपाल से जितने भी सब आ जाओ मेरे साथ। और कौन है नेपाल से? हाँ आ जाइए। क्या नाम बताया आपका? बलराम मंडल सर। बलराम, आपका नाम? बलराम चौधरी। आपका नाम? सुमित भंडारी। आपका नाम? कोलकाता से। कोलकाता से, चलिए आप भी आ जाइए आगे।
तो सुमित ये बताओ मेरे को कि क्या क्लास था आज आपका? सुबह रिबॉलिंग का क्लास था। कितनी बार रिबॉल किया आपने? 5 बार। आपने कितनी बार किया? 6 बार सर। आपने? 5 बार सर। 5 बार किया। तो ये बताइए मेरे को आपने प्रॉपर तरीके से किया कि नहीं किया? उससे भी ज्यादा। तो एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर जिनकी 3 बुकें मार्केट में चल रही है उनके साथ पढ़ के आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। नए अपने तरीके से नए ट्रिक निकाल के हमको नए ट्रिक दिया है। आज भी सर ने एक नया ट्रिक दिया जो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। और आप बताइए मेरे को कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा देव सर के साथ? बहुत बढ़िया सर। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया। अभी मैं कंपोनेंट की बात करूँ, 1, 2, 3 लोगों से कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट अब क्या हो गया तुम्हारे लिए? 2 कंपोनेंट अभी जो आज पढ़े हैं हमने, तो उसका प्रैक्टिकल करके कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। वो सर ने थ्योरेटिकल दिया था वही सेम प्रैक्टिकल किया था। सेम प्रैक्टिकल मिला ऑन पीसीबी पे, मतलब आपने सारे पीसीबी के सारे सेक्शन में रजिस्टर और कैपेसिटर को ट्रेस करा आपने? ट्रेस करा, समझा, आइडेंटिटी करी, क्या काम होता है ये मालूम है आपको? क्या रीडिंग होती है ये मालूम है? एलवीआर क्या होता है, एचवीआर क्या होता है, थर्मिस्टर को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट देखते ही पता चल गया, देखते ही पता चल गया। और कहां मिलेगा ये मालूम है आपको? लगाना है कहां मिलेगा ये मालूम है आपको? मालूम है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। कोलकाता से। अगर वरुण, मैं आपको अगर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत हो अगर हिंदी बोलने में, तो आप कोलकाता की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो मेरे सामने। तो कंफर्टेबल आप जिसमें हिंदी में हो तो आप हिंदी में बात कर सकते हो, आप कोलकाता में हो तो कोलकाता में बात कर सकते हो। बात करूँगा मैं कि आज आपकी कंपोनेंट की क्लास थी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया सर। देव सर के साथ जिनको देख के आप आए हो, उनके साथ साक्षात्कार आपने क्लास लिया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और सब मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं पाया, देख कर तो हम चौंक गए। उसका जो बोलने का तरीका है हमको सब समझ आ गया, जो हमने पता नहीं था, जो सब कुछ मालूम सीधा में क्या बोलूँ, सीधा साधा से सटीक से मैंने सॉल्व हो गया, चुटकी से सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरी बात, तो फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल किया? पूरा प्रैक्टिकल किया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप कहाँ से हो भाई? नेपाल से। नेपाल की बाहर है भाई इस बार एशिया टेलीकॉम में। नाम बता दो अपना। अनिल महतो। अगर हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है तो आप नेपाली भाषा में का उपयोग कर सकते हो। और दूसरी बात ये बताओ मेरे को कि आज पहला दिन एशिया टेलीकॉम में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। स्पेशली बात करूँ देव सर के साथ, आपकी कंपोनेंट की क्लास थी तो हम सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होगा। एकदम इजी हुआ आपका? एकदम। और प्रैक्टिकल क्लास में पूरा जो देव सर ने बताया था उसका प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? हुआ सब। कितना इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल क्लास होना? एकदम, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, मतलब उसके अंदर जरूरी है कि नहीं है प्रैक्टिकल? एकदम जरूरी है। जरूरी है। बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का? बहुत मस्त रहा, सर को देख के ऐसा लगा कि मतलब फीलिंग जो मेरी है वो बता ही नहीं सकता। अच्छा, तो जो चीज़ सोच के आए थे तुम, तो वो चीज़ आपको मिली कि नहीं? फीलिंग ही अलग है सर, पढ़ाने का तरीका, उसकी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर, अंदर से मेरा उम्र है, अब नहीं बता समझ सकता हूँ उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो ऐसी क्लासेस सारी जाने वाली है, 30 दिन है, बहुत लंबा समय है हमारे पास और हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने का समय है। तो बात करूँ मैं आज की आपकी कंपोनेंट की क्लास आपको कैसी लगी? और सवेरे आपने रिबॉलिंग भी करा, कितनी बार करा आपने? 7 बार रिबॉलिंग करा। और उसके बाद मैं मोस्ट बात करूँगा कंपोनेंट की। जी सर, हमारा प्रोटोकॉल है, हम चाय बनाने वाले बच्चे से भी ऐसी निकला के रिबॉलिंग करवा के लगवा के मोबाइल चालू करवा सकते हैं, ये डजंट मैटर है। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल एकदम साइड में रख दो। मैं बात कर रहा हूँ आपकी कंपोनेंट और लाइनों की नॉलेज के बारे में बात करूँ तो कैसा नॉलेज मिला आपको कंपोनेंट? एक नंबर, मतलब स्तर ये नहीं, स्तर हाई लेवल से। और उसके बाद इनकी जानकारी बहुत जरूरी आगे के लिए, नहीं तो हम आगे पढ़ाई नहीं कर बराबर। कंपोनेंट नहीं समझ में आएगा तो हम मोबाइल समझ नहीं सकते। चलिए ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल का पूरा समय मिला, आपने पूरा प्रैक्टिकल पूरी पीसीबी पे करा, हर सेक्शन में प्रैक्टिकल करा। सर लोग छोड़ते नहीं हमको, अगर करते नहीं पूरा कंप्लीट। चलिए ठीक है, चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए नाम बताइए अपना। जी सर, जाहिद याकूब। जाहिद, कहाँ से हो भाई? सर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? यस सर। जम्मू कश्मीर से इतनी दूर से, तो क्या होप लेके आए, वो होप पूरी हो रही कि नहीं हो रही? सबसे पहले मैं तो थोड़ा आपका परिचय दो, किस फील्ड से थे आप? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से सर। जी टेलीकॉम से सर। टेलीकॉम सेक्टर से हो आप? टेलीकॉम सेक्टर में। इलेक्ट्रिकल सेक्टर से। इलेक्ट्रिकल सेक्टर से थे, मतलब थ्रू आउट मोबाइल से नहीं आओ आप?
मोबाइल से नहीं हो, है ना? स्विच करके, स्विच करके इस लाइन में आए हो आप, तो पहले दिन की शुरुआत कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया सर, मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत हाई एंड की, जहाँ जहाँ पे हम गलती करते अब पता चल रहा है, पहले दिन में ही पता चल रहा है कि हाँ हम कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, सारा क्लियर हो रहा है सर, क्योंकि सर की नॉलेज बहुत ऊपर से भी बहुत ऊपर है सर, अपर से भी ऊपर है। चलिए ठीक है, और उसके बाद ये बताइए मेरे को कि जो सर ने आपको नॉलेज दिया, क्या वो एक यूट्यूब में या रास्ते चलते या किसी वीडियो में या किसी चाइनीज़ के क्लास में मिल सकता है क्या आपको? कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर। DSO की जो एप्लीकेशन है, हमें कभी किसी लैब में, मैंने हज़ार दफ़ा सर से पूछा, सर DSO की एप्लीकेशन ये सर्किट में कहाँ यूज़ होती है, बट किसी को शायद यूज़ करना नहीं आया। ये अकेले देव सर ये है जिसने पहले दिन हमें बताया कि हम आप DSO कहाँ पर यूज़ करोगे, उसका दैट्स उसके लिए नॉलेज चाहिए सर। बराबर बराबर। अच्छा, प्रैक्टिकल क्लास में आपको पूरा प्रैक्टिकल का समय मिला, आपने पूरा PCB को स्कैन करा, एक एक कंपोनेंट को ट्रेस करा, हर एक चीज़ को ट्रेस किया, हर एक रजिस्टर से लेके कैपेसिटर से लेके आई से, हर एक लेवल जो भी देव सर ने पढ़ाया वो सारा क्लियर था। हमें यहाँ पे बस ट्रेसिंग करनी पड़ी सर, बस डिटेक्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, संजय गुप्ता जी, बताइए पहला दिन पहली क्लास क्या अरमान थे और कितने अरमान पूरे हुए तुम्हारे? बहुत पूरे हुए सर। हैं? बहुत पूरे हुए सर। पूरे हुए आपके अरमान? कैसा लगा पहले दिन के क्लास में, थोड़ा सा खुल के बताइए सर। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, रिबोलिंग कितनी बार किया आपने? छः मरतबा किया। और देव सर के साथ कॉम्पोनेंट की क्लास थी जी सर, बहुत कॉम्पोनेंट की क्लास के बारे में बताइए आप मेरे को। बहुत अच्छा लगा सर, एक एक चीज़ क्लियर है आपकी जी जी। नॉलेज के बारे में बात करूँ देव सर के तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास 2020 फरवरी में भी शकील नाम के ही बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट आए थे, उनका नाम आज तुमने नाम बोला तो मेरे को ध्यान में आया। दो स्टूडेंट आए होंगे, एक शहजाद एक सोहेल। अच्छा, शहजाद भी आया, सोहेल भी आया और शकील भी आया। मेरे चांदपुर से आए थे नहीं, शकील भी आया, बिजनौर से आया था शकील। चलिए ठीक है, तो बात मैं आपकी कर रहा हूँ, आज आपका पहला दिन था, मेरे को बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। 8 बजे हमारी रिबॉलिंग हुई और रिबॉलिंग हमने 4 से 5 बार की है। अच्छा, और पता भी चल गया कैसे होती है रिबॉलिंग। अच्छा, ये रिबॉलिंग का काम, इसके बाद फिर बताइए मेरे को, क्लास थी आपकी 12 बजे देव सर के साथ, फिर लंच टाइम के साथ क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर उन्होंने 2 स्टेप सब कुछ बताया जैसे होता है, और ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम कहीं गलत जगह आ गए। बहुत ही अच्छी जगह है, सभी, मैं तो ये कहता हूँ सभी आए यहाँ पर, जिसको भी मोबाइल रिपेयरिंग का करना है सब यहीं पर। आप भी किसी का रेफरेंस लेके आए थे यहाँ से जाने के? 4 महीने या 6 महीने, 4-5 महीने हो गए शायद उसको उनको जाने को, तो उसके बाद अगर उन्होंने तुमको रेफरेंस दिया तो मतलब दम तो होगा ना जी सर। दम कैसा काम कर रहे हैं वो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आप भी इतने अच्छा काम करेंगे जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। नाम संदीप कुमार है। संदीप कहाँ से हो भाई? रूपी राय बलेरी से। ये बताइए मेरे को कि क्या क्लास थी आज आपकी और आपको क्लास किस लेवल की समझ में आई? सर आज पहले दिन की क्लास थी और सबसे पहले रिवॉल्विंग की क्लास थी और उसके बाद देव सर की क्लास थी जी, जिसमें हमको बहुत बारीक से बहुत अच्छे से समझाया गया और समझ में भी बढ़िया आया। पूरा क्लियर था आपका, क्रिस्टल क्लियर था, एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी। क्या लेवल था सर का पढ़ाने का? पढ़ाने का लेवल बहुत बढ़िया था सर। कोई ऐसा जो चौथी दुकान पे या चौथा आदमी दे सकता है वाला नॉलेज था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कोई यूट्यूब पे मिल सकता था वाला नॉलेज था क्या? नहीं नहीं। कोई चाइनीज की क्लास में, चीना की क्लास में मिल जाता वाला नॉलेज था क्या? नहीं नहीं सर, जितना भी पढ़ाया सब अच्छे लेवल पे अच्छी। चलो, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मानता हूँ मेरी बात। तो प्रैक्टिकल क्लास में आने के बाद आपने उसका प्रैक्टिकल करा के नहीं, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे? सर प्रैक्टिकल किए हैं, बार बार प्रैक्टिकल किए। हर सेक्शन में आपने रजिस्टर को चेक करा है जी सर, कैपेसिटर को चेक करा है जी सर, पूरे सेक्शन में जी सर। रजिस्टर के मैं 4 प्रकार और आपसे सबसे पहले स्पेशली ये बताऊं कि थर्मिस्टर को आप कितनी देर में ढूंढ लोगे? बहुत ज्यादा 2 मिनट में। 2 मिनट में ढूंढ लोगे, फाइंड कर लोगे। आपको ये मालूम है कहाँ कहाँ थर्मिस्टर होते हैं, किस जगह होते हैं, क्या टाइप होता है, क्या वैल्यू आती है जी सर, कैसे चेक करना है, मालूम है आपको? सर बारीकी से बता दिए सर, दिमाग में एकदम फीड हो गया। चलिए ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जीवन सिन्हा। जीवन कहाँ से हो भाई? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से, इधर सामने आ जाओ। तो ये बताइए मेरे को कि आज पहला दिन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, फ्रेशर हूँ, फर्स्ट दिन से ही समझ में आ गया। फ्रेशर हो, फर्स्ट दिन से ही समझ में आ गया। तो कोई चाइनीज भाषा में तो नहीं पढ़ाते ना? नहीं सर। है हिंदी में पढ़ाते हैं, देसी भाषा में पढ़ाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है जी सर। क्रिस्टल क्लियर है हर चीज़ जी सर। बात करूँ मैं कंपोनेंट की, बात करूँ रिवॉल्विंग की, तो
क्या और स्पेशली कंपोनेंट क्लास आपकी देव सर के साथ थी, कैसी रही क्लास आपकी? बहुत बढ़िया थी सर। बढ़िया थी जी सर, सारे कंपोनेंट्स की जानकारी मिली सर। सारे कंपोनेंट्स की जानकारी मिली और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिकल क्लास में आपने पूरा प्रैक्टिकल करा? जी सर। तो पहले दिन की क्लास बहुत बढ़िया रही सर, कंपोनेंट की जानकारी हमको मिली जो आपको बहुत पहले पता नहीं थी कंपोनेंट के बारे में। तो डीप लेवल की जानकारी मिल रही कि नहीं मिल रही? जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहा? जी सर। और यही कि यही अगर एंड तक 30 दिन तक आपको डे बाय डे न्यू नॉलेज जो कहीं पे भी आपने रिपीटेड सुना नहीं हो। जी जी। तो और आज स्पेशली देव सर की बात करूँ आपको, तो क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं कम से कम 3 साल से देव सर के। आप बहुत बड़े फैन हैं? जी सर। अच्छा। मैं इसका 3 साल से उसका वीडियो देख रहा हूँ। उसके वीडियो नहीं, देव सर की वीडियो। देव सर की वीडियो देख रहा हूँ मैं, 3 साल से देखते आ रहा हूँ मैं। उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे हेल्पफुल लगती है नॉलेज। अच्छा, उनके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला हुआ आप? जी सर। पर बाकी हम हर चीज यूट्यूब पर नहीं डाल सकते मेरे भाई, है ना? फाउंडेशन रहती है हमको हर चीज़ को, है ना? हमारे साथ पूरी टीम है यहाँ पे, 6-7 लोगों की टीम है, 6-7 लोगों पूरे सर्वाइव करते हैं यहाँ पर, टीम के उनके साथ काम करना पड़ता है, है ना? तो पहला दिन कुल मिला के ओवरऑल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। रिबॉलिंग कितनी बार किया आपने? 6 बार किया। 6 बार रिबॉलिंग करा। और कंपोनेंट की प्रैक्टिकल की क्लास में आपने प्रैक्टिकल में आपको पर्याप्त तो समय, पर्याप्त तो पीसीबी सब मिला कि नहीं मिला? मिला सर। तो जो आपने जिस पीसीबी पे ट्रेस किया वो आप घर से लेके आए थे क्या? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम से मिली आपको। जी सर। और हर सेक्शन में आपने रजिस्टर और कैपेसिटर को टेस्ट किया आपने? जी सर। मैं बात करूँ चारों टाइप के रजिस्टर आप मालूम कर सकते हैं? जी सर। और उसके बाद थर्मिस्टर कितनी देर में ढूंढ लेंगे आप? मात्र 1 मिनट में सर, देखते ही ढूंढ लोगे। जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। जी, नारसिंह। नारसिंह कहाँ से हो भाई? मेरे राजस्थान भरतपुर। राजस्थान भरतपुर, भरतपुर राजस्थान, वहाँ भी इंस्टीट्यूट थे आप, सीधे जबलपुर आए। जी। तो जबलपुर आने में समय भी लगा, पैसा भी ज़्यादा लगा, नॉलेज के लिए आए थे कि पैसे के लिए? नॉलेज के लिए। तो वो नॉलेज मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल। जो देव सर के साथ क्लास थी आपकी, बताइए मेरे को कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। बात करूँ कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट पूरा भेजे में उतरा कि नहीं उतरा? बिल्कुल सर, क्योंकि कंपोनेंट हमारे भेजे में नहीं उतरेगा तो हम कल कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी तुम्हारे दिमाग में पूरा आया कि नहीं? जी सर, पूरा आ गया। पूरा आ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?